ये मुंडाल के पास है। यहाँ पर पुलिस लगातार प्रयास करने का प्रयास कर रही है कि अभी मैं आप कुछ किसानों से बात करवाना चाहूँगा। यहाँ पे आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक करिए इसमें। सिंगवा खास के पास में पुलिस प्रशासन किसानों को तंग करने का प्रयास लगातार करती हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे किसान साथी यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रास्ता रोकने का प्रयास किया गया था। अभी हम बात करेंगे एक बार किसान का आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए, एक बार किसान का नारा लगा दो जी, एक बढ़िया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कहाँ से आए हो आप? हमारा जिला जी फतेहाबाद, और हम जो हमारे साथी बैठे हैं दिल्ली आंदोलनकारी जो बैठे हैं हमारे लिए, उनके लिए हम रसद पानी लेके जा रहे हैं। पहले भी गए थे, आज भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई थी रास्ते में? अब आप रास्ते में प्रशासन द्वारा बड़े बड़े रोडे डाले जा रहे हैं, रोड पे यहाँ से पीछे भी पुल बंद किया गया है और यहाँ से JBC से बड़े बड़े रोडे डाल के रोड ब्लॉक कर रहे हैं। और हम सभी साथियों ने मिलकर किसान भाइयों ने उसको उठा के हमने नीचे फेंक दिया है खाई पे। और जो चाहे गवर्नमेंट ये सरकार कुछ भी कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। ये जो काले कानून हैं इन्हें वापस लेने ही पड़ेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर जिस तरह से अब प्रशासन रास्ता रोकने का प्रयास कर रहा है, यानी आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सरकार के मन में अभी भी खोट है? बिल्कुल खोट है जी। पहली बात तो इनको ये देख लेना चाहिए, जब पहले नहीं हमारे सामने कुछ अड़ा तो अब क्या अड़ेगा। अभी जो भी इस BDM के माध्यम से मुझे कोई सुन रहा है, तो मेरा भाई जब 16 तारीख को जो आंदोलन है उसमें आएंगे तो सभी छैनी हथौड़ा और JCB अपनी साथ में लेके आए, क्योंकि इन्होंने अपना पक्का काम कर रहे हैं जी। कंक्रीट पक्की डाल रखी है इन्होंने, तो उससे खदेड़ने में हमें। अभी आप कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो? अभी दिल्ली नहीं, दिल्ली से अभी आ रहे हैं। दिल्ली से अभी आ रहे हम दिल्ली से आ रहे, दिल्ली से आ रहे थे वापस। हमारे साथी वहाँ पे बैठे हुए हैं और हम उनके पास थे। एक बार हम गांव जा रहे हैं और थोड़े दिनों के वापस फिर आएंगे, लेकिन हम जब जा रहे हैं तो हमने देखा अभी यह रास्ता ब्लॉक है। आप देखिए डबल नहर है यहाँ पे, डबल नहर के ऊपर उन्होंने ये ब्लॉकेज कर रखी है, उसमें कंक्रीट डाल के उस पर लुक भी डाली है, खेड़ भी ना डालें तो वो पुख्ता प्रबंध कर रहे हैं अपना। मैं जब यहाँ है ट्राले से वो उतार रहे थे, उनको रोका भी, भाई ऐसे मत करो, लेकिन वो धक्के से उतार गए तो हमने भाई वो रोड़ा फेंक दिया। अभी तो रोकने की वो बार बार प्रयास जरूर करेंगे, करते रहेंगे, तो हमको रुकना नहीं है और हम रुकेंगे भी नहीं। धन्यवाद। ये हमारे कुछ किसान साथी हमारे साथ जुड़े, अभी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे हैं एक किसान गाड़ी के साथ में, और पुलिस प्रशासन फिर से अपनी गलत नीतियों के ऊपर उतर चुका है। वो अभी भी किसानों को रोकने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय किसान।